वेलकम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर का 19 मैच कवर करे, जो जर्मनी वर्सेस इटली के बीच में इस सीरीज का एक और जैकपॉट मैच, जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट के लिए मुकाबला काफ़ी अच्छा रहेगा। बैक टू बैक हमने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में क्लीन स्वीप करके आ रहे। मॉर्निंग में जो हमने मैच कवर किए थे, वन साइडेडली क्लीन स्वीप गया। रिजल्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसको भी रिजल्ट वगैरह देखना हो टेलीग्राम से जुड़ सकता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। हालांकि इस मैच में हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, किस प्लेयर को यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट टीम में पिक करके चलना, किस प्लेयर को यहाँ से हमें ग्रैंड लीग के टीम्स में ट्राई करना, विद जो भी हमारी कंप्लीट टीम स्मॉल लीग की रहेगी, जो कैप्टन वाइस कप्तान के डिफॉल्ट ऑप्शंस रहेंगे, इनके बारे में भी डिटेल्स में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मुकाबले को विन करना। तो एंड तक देखना इस वीडियो को। और दोस्तों, सबसे पहले देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, अभी हम चलते हैं और प्लेयर प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है आप सभी को फैंटेसी क्रिक फैन टेलीग्राम पर जुड़ना, क्योंकि जो भी हमारी ग्रैंड लीग एंड स्मॉलेस्ट की फाइनल टीम्स होंगी, अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पर देंगे। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो लोग भी नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाओ, और अपने फीडबैक्स वगैरह भी आप टेलीग्राम पे हमें शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमने जितने भी मुकाबले कवर कर रहे हैं ना, ज़्यादातर हमारा विनिंग ही हो रहा है। तो फैंटेसी क्रिक फैन टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम को जुड़ना, और मैच के टाइम आपको एक्टिव रहना। और बिल्कुल जो हमारी टीम होती है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और दोस्तों, हमारे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए, जहाँ पर बैटिंग के नाम पर लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो आप हमारे रियल टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैच के टाइम सिर्फ एक्टिव रहना टेलीग्राम पे। अभी हम चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि ये जो मैच होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का 19 मैच, जो जर्मनी वर्सेस इटली के बीच में 3 बजे करीब है, जो कि इनका वेन्यू ग्रे क्रिकेट क्लब रायबर्न प्लेस पे ये मुकाबला होगा, जिसका एवरेज स्कोर 120 से 150 के आसपास में स्कोर बनते हुए दिखेंगे। और इस वेन्यू पे खेलेगा, अगर आप लास्ट के 13 मुकाबले देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 9 बार विन किए, बैटिंग सेकेंड विन करने वाली 4 बार टीम थी, फर्स्टिंग बैटिंग एवरेज स्कोर 174 का। और इस वेन्यू पर जो भी टीम पहले टॉस जीतेंगी वह बैटिंग करने की फैसला लेंगी। वैसे भी जो पिच है एक तरह से बैलेंसेड ही है, थोड़ी सी पेसर्स को अच्छे खास से हेल्प मिल रही है। तो जो भी बॉलिंग ऑप्शंस ट्राई करना, ज़्यादातर कोशिश करना पेसर्स के साथ जाओ, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी फैंटेसी टिप्स, बैटिंग ऑर्डर, टीम्स में चेंजेस होंगे, सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे। और @ फैंटेसी क्रिक फैन सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना। दोस्तों, बात करते हैं जो जर्मनी की टीम है, खेले गए रिसेंट के 5 मैचों में 2 विन किए, 2 लॉस, 1 इनका नो रिजल्ट था। हालांकि इनकी टीम की ओर से यहाँ पर तो जो जर्मनी है इनकी टीम की ओर से वी गणेशन नजर आएंगे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, ऑफ ब्रेकर बॉलिंग, जो टीम की एक कैप्टनसी कर ओपनिंग ही बैटिंग करवाते हैं। टीम की ओर से रिसेंट के खेले गए फॉर्म देखो तो 11-2, 8 इससे पहले 13 का स्कोर था। हालांकि जो T20 से स्टार्ट से इनका 35 मैचों में टोटल 396, जहाँ पर 18 के एवरेज और 20 विकेट थे, पर रिसेंट के फॉर्म में जब बॉलिंग इन्होंने डाला नहीं, पर बैटिंग ऑप्शन भी कुछ खास अच्छा इस रिजल्ट इसे रिसेंट के मैचों में देखने को मिले नहीं। हालांकि जो बैटिंग एवरेज फॉर्म है 10 प्लस आपको स्कोर करके दे सकते हैं, आप चाहो तीनों ग्रैंड लीग के टीम्स में ही रखो। इनके अलावा हमारे पास जोशवा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, ओपनिंग ही बैटिंग करवाते, 55 का औसत है, 5 मैचों में 111 रन, रिसेंट फॉर्म एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फर्स्ट मैच 17, उसके बाद इन्होंने 47, उसके बाद 42 का स्कोर, लास्ट के मुकाबले 19+2 विकेट, जिसमें इन्होंने 4 ओवर के भी बॉलिंग कराए थे। वैसे भी अपने कंप्लीटलीज ओवर डाले, उस मुकाबले के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो ग्रैंड लीग्स और मिनी जीएल के टीम्स में आप इन्हें कैप्टन या वाइस कप्तान भी कर सकते हो। इस बैटिंग ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है, जरूर से टीम्स में ट्राई करना। इनके अलावा जो यहाँ पर 200 रिचर्सन नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स करके देंगे, बैटिंग से जो भी औसत है वो ठीक ठाक है, जो कि 21 मुकाबले 445 31 के एवरेज है। तो अभी एज अ प्लेयर इनको भी टीम्स में ट्राई करेंगे। लास्ट के मैचों में 5, 27 इसके बाद 26 और 8 का स्कोर, तो बैटिंग से वैसे भी जो एवरेज फॉर्म स्ट्राइक रेट दोनों ही काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले, तो यहाँ से इनको पिक करके जाएंगे। इनके अलावा जो मुबसिर नजर आएंगे एज ए राइट हैंडर बैट्समैन, 13 मुकाबले 233 रन, 29 के एवरेज, रिसेंट फॉर्म 57 और 21 का स्कोर, फर्स्ट मैच डक पर आउट हुए थे। हालांकि जो बैटिंग ऑप्शन है वो ठीक ठाक है दोस्तों, जो टीम की ओर से 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे तो 20 या फिर 15+ स्कोर आपको हर एक मैच में स्कोर करके देंगे, तो यहाँ से इनको टीम से पिक करके जा रहे हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो सही नजर आएंगे, 31 मुकाबले 302 रन, 25 के एवरेज, जिसमें 33 विकेट, रिसेंट फॉर्म में जब बॉलिंग से ठीक ठाक गया था, लास्ट के मुकाबले 3 विकेट से पहले 20 का स्कोर, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट स्टैंडिंग फॉर्म, ये
टीम के हमारे मेन बॉलिंग रहेंगे, जो कि दोस्तों आपको कभी कभार ये देख के भी ओवर्स डाल लेते हैं। लास्ट के मुकाबले भी काफ़ी बढ़िया टच में चले, तो यहाँ से इनको टीम्स में ज़रूर से पिक करेंगे। इनके अलावा जो यहाँ पर लेग्जेंडर इज़ अ ग्रैंडिस के सेफ, जहाँ पर ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके पास फॉर्म नहीं है। सचिन भी आउट ऑफ फॉर्म, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग है। अगर आप ये देखो तो मिडल ऑर्डर जो बैटिंग ऑप्शन है इनको ग्रैंडिस के टीम्स में ही रखना चाहिए। इनके अलावा जो देखो टीम के मेन बॉलिंग रहेंगे, क्रेन का जो स्टार्ट से लेफ्ट मीडियम बॉलिंग है, 18 मैच में 21 विकेट थे, रिसेंट फॉर्म विकेटलेस, इससे पहले दो विकेट एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म, जो कि ये दोस्तों टीम की एक सेफ बॉलिंग रहेंगे। एवरेज विकेट टेकर्स एक से दो विकेट आपको निकाल कर देंगे। जो मुस्लिम अशरफ का फॉर्म है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, 32 मैचों में 43 विकेट था, रिसेंट फॉर्म 14 का स्कोर विकेटलेस, पर इससे पहले दो विकेट फॉर्म कुल मिलाकर ठीक ठाक है। जो अगर आप देखो तो टीम के सेफ बॉलिंग रहेंगे, आप एज अ प्लेयर अपने टीम से पिक कर सकते हो। रसूल अहमदी की बात करते हो, राइट टाइम ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, जो कि इन्होंने 33 मैचों में सिर्फ 36 विकेट, रिसेंट फॉर्म विकेटलेस थे, पर इससे पहले खेले गए फॉर्म देखो तो दो विकेट एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और यहाँ पर जिस तरह से जो यहाँ पे भारतीय एज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, 31 मैचों में इनका भी जो स्टैट्स था वो ठीक ठाक दोस्तों, रिसेंट 42 विकेटें निकाले, रिसेंट फॉर्म फ्लॉप थे, पर इससे पहले दो विकेट। तो ये जो आपको बॉलिंग दिखेगा ना इनके टीम के पास, देखो यहाँ पर जो डिटेल क्लीन है ये हमारे टीम के सेफ बॉलिंग रहेंगे, एक तो इनको रखेंगे। इनके अलावा आप चाहो तो मुस्लिम अशरफ के साथ भी जाओ, कम्प्लीटली ओवर डालेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके अलावा आप चाहो तो रसूल अहमदी और यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। और इनकी बेंच प्लेयर से जो भी प्लेयर यहाँ से खेलेंगे ना, सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम्स पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जो लोग भी नहीं जुड़े तो जल्दी से टेलीग्राम को जुड़ जाओ। हालांकि दोस्तों अब हम बात करेंगे जो टैली की टीम है इनके प्ले स्टैटस के बारे में, तो इनकी टीम ने रिसेंट के 5 मैचों में 2 विन 2 लॉस एक नो रिजल्ट था। और इनकी भी टीम की ओर से जस्टिन ओपनिंग ही आते हैं, लास्ट के मुकाबले नहीं खेले थे, पर इससे पहले 6 49 2 रन का स्कोर, हालांकि 5 मैचों में 73 रन 14 का एवरेज। स्ट्राइक रेट और एवरेज फॉर्म कुछ खास अच्छा इनके लिए रहा नहीं, फर्स्ट इनिंग में जब भी बैटिंग कराए आपको 20+ स्कोर करके दी। तो कोशिश करना पहले इनकी टीम बैटिंग करती है, तो यहाँ से इनको टीम्स में पिक करके जाए। बेंजामिन एज ए टीम के मेन ऑलराउंडर्स रहेंगे, जो दोस्तों की बॉलिंग बैटिंग करके देंगे। 28 मैचों में 53 रन 7 का एवरेज, 19 विकेट है, यॉर्क ब्रेकर बॉलिंग है, रिसेंट फॉर्म 21 का स्कोर विकेटलेस थे, इससे पहले भी ये फ्लॉप गए थे। हालांकि जो बैटिंग ऑप्शन है वो थोड़ी सी मुझे इंपॉर्टेंट दिखी है, जो कि बॉलिंग बैटिंग से काफ़ी बढ़िया टच में चले, तो यहाँ से फिलहाल एज अ प्लेयर अभी इनको पिक करके जाएंगे। मर्क्यूरस एज अ ग्रैंडिस के सेफ रहेंगे, हालांकि इनकी टीम अगर पहले बैटिंग कर दे तो आप स्मॉलिंग में रिस्क ले सकते हो, मेरे हिसाब से ड्रॉप करना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो मेडसेन है ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है, राइट हंडर बैट्स में, रिसेंट फॉर्म डक पर आउट, 1 रन का स्कोर 52 का स्कोर था, और आप इन दोनों में से किसी एक ही को पिक करो, ये मिडल ऑर्डर बैटिंग आपको नजर आएंगे। एंथनी एज ए ग्रैंडिस के सेफ, यहाँ से हम किसी को ट्राई करेंगे नहीं, आप इनका रिसेंट फॉर्म देख ही सकते हो, 29-8-12 इस तरह से 9 रन का स्कोर, न तो बैटिंग न तो बॉलिंग आपके पास। हैरी एज ए इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो ये राइट हंडर बैट्स में राइट मीडियम बॉलिंग है, 5 मैचों में 17 रन 9 विकेट, एज अ बॉलिंग फॉर्म बैटिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग, लास्ट के मुकाबले 51 का स्कोर, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिसमें कैप्टन और वाइस कप्तान के भी सेफ रहेंगे, वो चाहे स्मॉली को या फिर ग्रैंड लीग्स आप ट्राई करके चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रैंड नजर आएंगे दोस्तों, राइट हंडर बैट्स में राइट मीडियम बॉलिंग है, 60 मैचों में 582 जिसमें 20 के एवरेज और 61 विकेट भी थे, रिसेंट फॉर्म फ्लॉप थे, पर इससे पहले खेले गए मुकाबले 41 का स्कोर 1 विकेट 4 विकेट एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म। फिलहाल यहाँ से भी ये टीम के हमारे मेन ऑलराउंडर्स जो बॉलिंग और बैटिंग करके देंगे तो पिक करके जा रहे जसप्रीत सिंह, ये टीम के सेफ बॉलिंग रहेंगे, अपने टीम्स में पिक करके जाओ। इनके अलावा ये जो गर्थ हैं ग्रैंड लीग्स के टीम्स के सेफ रहेंगे, क्रिश्चियन भी इधर जीएल के टीम में रखेंगे, बाकी इनको भी हम ड्रॉप करके ही जाएंगे। स्टैफनो का जो स्टार्ट से दोस्तों लास्ट के मुकाबले 1 विकेट था, बाकी इससे पहले ये ऑलरेडी फ्लॉप जा चुके, तो इनको अभी यहाँ से रखेंगे नहीं। और जो भी इनके बेंच प्लेयर से प्लेयर खेलेंगे सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जो लोग भी नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। बाकी अभी चलते हैं फैंटेसी टीम्स की बात करते हैं, बाकी देखो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे देंगे, अभी हमारे पास 1 घंटे से कम का टाइम बचा, थोड़ी सी शॉर्ट प्रीव्यू यहाँ पे करेंगे दोस्तों और सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट। बाकी मेरे फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ना, ये सिर्फ आपको डेमो टीम रहेंगे, टेलीग्राम पे फाइनल टीम देंगे, ये चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखे जाओ। बाकी स्टैट्स बेसिस पे अपनी टीम्स में आप क्रिएट कर पाओगे, हालांकि जो कैप्टन है वो सेफ है, वाइस कप्तान भी हम यहाँ पर अगर एक तरह से देखो तो रिस्क कवर कर पा रहे हो, तो आपके पास ग्रेग इज सेफ रहेंगे। अगर आप थोड़ी सी बॉलिंग ऑप्शन से भरोसा कर पाओ तो आपके पास जो ये है ना ग्रेंट, ऑलमोस्ट इस मुकाबले के परफेक्ट प्लेयर्स रहेंगे जो विकेट्स निकाल कर देंगे, तो भी इनको वाइस कप्तान करेंगे। सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ज़रूर से जुड़ जाना। बाकी अभी मिलते अगले वीडियोज़ में दोस्तों किसी नेक्स्ट मैचेस की प्रिडिक्शन के साथ, बाकी आप वाइस कप्तान आप इनके साथ भी जा सकते हो।